हाँ, मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया था। 3 साल पहले मैंने जब भी मिसेस भारत आइकॉन किया था, वो भारत आइकॉन में जीत गई। उसके बाद मैं मिसेस इंडिया अर्थ जीत गई। उसके बाद जो भी मैंने पेजेंट किया, वो हर पेजेंट मैंने जीता हुआ है। उसके बाद मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल बनी, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड बनी, और हाल ही में मुझे रेलिना मिसेस यूनिवर्स का खिताब मिला। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑन क्लाउड 9। तो ये जो मेरा जो सफ़र रहा है, ये बहुत ही सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। थोड़ा सा जुरासिक पार्क के जैसा, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उसमें बैरिकेड्स भी आए हुए हैं। बट आई एम वेरी मच हैप्पी नाउ, आई गॉट द मिसेस यूनिवर्स अवार्ड एंड आई एम हैप्पी। सपोर्ट किसने किया? फैमिली सब कुछ किसका मिला? सपोर्टिंग की बात करें तो सपोर्ट की बात करूँ तो पूरा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड का और मेरे लड़के का था। आई एम मैरिड एंड मेरा हस्बैंड और मेरा लड़का जो है, मेरा बच्चा कॉस्ट्यूम्स राउंड था और मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डाल के चल रही थी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप जो भी कपड़े डालते हो वो कपड़े मायने नहीं रखते हैं। ये कपड़े आपके ऊपर कैसे दिखते हैं, ये आपको खूबसूरत बनाते हैं या आपको वल्गर दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। खाली कपड़े ही इंपॉर्टेंट नहीं रहते, आपका आउटर लुक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आउटर लुक के साथ साथ आपकी इनर ब्यूटी कितनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि आप जब भी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हो तो कॉम्पिटिशन में आपको खाली रैंप वॉक नहीं करना रहता है, आप ग्रैंड फिनाले में खाली रैंप वॉक करते हो। आप अच्छे अच्छे कपड़े डाल के घूमते हो, लेकिन आप 6 दिन वहाँ पे जो निकालते हो, ये 6 दिन आपको टास्क रहते हैं। तो अलग अलग टास्क आप किस तरह से पूरे करते हो, उसमें आपकी मेहनत कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका परफेक्शन कितना है, इसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं और तभी आप बनते हो मिसेस यूनिवर्स। तो कितने राउंड थे उसमें और किस किस राउंड में कौन तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ है? पहली तो जब भी मैं बोलिविया गई थी तो सबसे बड़ा बैरिकेड मेरा ये था कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो है स्पेनिश, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली 95% पीपल जो है वो स्पेनिश में बात करते हैं। इवन वहाँ पे कंटेस्टेंट जो थे वो 95% कंटेस्टेंट स्पेनिश में बात करते थे। तो वो लैंग्वेज मुझे पहले तो सीखने में या समझने में थोड़ी तकलीफ हो गई। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है वो अदर ग्रूमर्स और कोरियोग्राफर है वो इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन आपको जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनके साथ में मिक्स होना में बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि आप जितने उनके साथ मिक्स होते हो, उनके जो वैचारिक जो बातें रहती है वो उसको आप एक दूसरे के साथ में शेयर करते हो, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हाँ, और बहुत से राउंड है। उसके साथ में स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड था और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स के साथ में वहाँ पे गाउन राउंड था। तो ये सब जो राउंड्स थे, ये राउंड कंप्लीट करते करते अदर कंटेस्टेंट को भी हम लोगों को मात देनी है। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी रहती है कि आप जब भी वहाँ पे जाते हो तो फ्रॉम डे मॉर्निंग 7 से आपको रात को 1 बजे तक टास्क रहते हैं। तो ये आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, ये टास्क में आपको तरोताज़ा रहना है। यू शुड बी फ्रेश, यू शुड बी वेल मेकअप, वेल ड्रेस, और आपको रिप्रेजेंट करना रहता है। दिन में 5 5 6 6 बार आपको कपड़े चेंज करने रहते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री था, बहुत ठंडी थी, उसमें आपको शॉर्ट ड्रेस डाल के, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डाल के आपको शूट करना है। तो ये देखने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इट्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क। कहीं डर महसूस हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? सच बात कहूँ तो डर ऐसे नहीं था, एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत पेजेंट जीते हुए थे। और मैंने जब मेरे लड़के से बच्चे से बात की थी तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे जो है, यू नो, इज अ लैटिन कल्चर है और वहाँ पे ऑल लेडीज दे आर सेमी न्यू, तो उसमें मैं जीत पाऊंगी कि नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर एंड अदर पीपल दे आर सेइंग ओनली द मिसेस इंडिया शी इज वेयरिंग द फुल ड्रेस। क्योंकि हम लोगों का कल्चर ऐसे नहीं होता है। दो आई एम वेयरिंग द, यू नो, शॉर्ट पैंट्स और लाइक हॉट बम्स, फिर भी वो उनकी उनके हिसाब से मैंने बहुत कपड़े डाले, ऐसे हो जाता था। तो वो बहुत कम कपड़े डालते थे। तो मेरे लड़के ने मुझे खाली इतना ही कहा, मॉम आप जीतो तो भी आई लव यू सो मच, और आप नहीं जीतो तो भी आई लव यू इज बॉटम फ्रॉम माई हार्ट। तो मेरे दिल में यही था। तो मेरे दिल में ऐसे कुछ डर ऐसे कुछ नहीं था, थोड़ी एक्साइटमेंट थी।
और मैंने भगवान को प्रे तो किया था कि मैंने इस ये कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की हुई है, मेरा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, परफेक्शन दिया हुआ है, तो मैं जीत जाऊँ तो आई विल बी हैप्पी, और मैं जीत गई। इट वॉज लाइक यू नो इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। आफ्टर जितने बार अब क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? मेरा जो मैंने जो कार्य किए थे, मैंने जो काम किया था, ट्राई किया था, वो सक्सेस हुए? या देखिए, मैंने जो जब ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया और मैं जब